वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था अल्फ्रेड ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें रूपांतरकारी सिद्धांत के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ की खोज की गई थी, जिसे एवेरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने सिद्ध किया था कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। पर कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे, इसीलिए 1952 में हर्शे तथा चेस ने एक प्रयोग किया जिसने सिद्ध कर दिया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। इस प्रयोग में हर्शे और चेस ने बैक्टीरियोफेज को लिया। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, इनमें क्या है, एक बाहरी आवरण है और इसके अंदर न्यूक्लिक कोर है जो कि डीएनए है। आप देख सकते हैं बाहर का हिस्सा प्रोटीन कैप्सूल आवरण का बना हुआ है और अंदर न्यूक्लिक कोर है जो डीएनए का बना है। अब इन्होंने क्या करा, इस प्रयोग में बैक्टीरियोफेज को रेडियोधर्मी फास्फोरस माध्यम व रेडियोधर्मी सल्फर माध्यम में ग्रो कराया। ग्रो कराने में क्या हुआ, जिन जीवाणु भोजी को रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 में ग्रो कराया उनमें रेडियोधर्मी डीएनए पाया गया, लेकिन रेडियोधर्मी प्रोटीन नहीं पाया गया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है लेकिन प्रोटीन नहीं। आइए अब इसको हम स्पष्ट करें कैसे, इसको देखिए। इसके लिए हर्शे चेस ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज मैंने बताया आपको ऐसे विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं, लिए कुछ बैक्टीरियोफेज को उन्होंने सल्फर रेडियोधर्मी से ग्रो कराया में, और कुछ को देख रहे होंगे आप उनको किसने कराया, फास्फोरस 32 में। तो आप देख रहे होंगे रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेबल डीएनए, ये आप देख रहे हैं फास्फोरस रेडियोधर्मी डीएनए के द्वारा एक्टिव कराया, और इस प्रोटीन कैप्सूल को आप देख रहे होंगे किससे कराया, रेडियोधर्मी सल्फर 35 से इसमें माध्यम में ग्रो कराया। अब देखिए इसके तीन स्टेप हैं, क्या क्या हुआ इसमें, सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग, और तीसरा जो पार्ट है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में क्या हुआ, बैक्टीरियोफेज जो है उन्होंने जीवाणु को संक्रमित किया। ये जीवाणु इशरिचिया कोलाई है, तो इन्होंने इसको संक्रमित किया, आप देख भी रहे होंगे बाहरी आवरण, ये इसका कैप्सूल वाला और ये डीएनए का पोर्शन है। सेकंड क्या करा, देखिए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जैसे हम ब्लेंडर में, घर में मिक्सी होती है ऐसी, हमें इसको घुमाएंगे तो जीवाणु की सतह पर कोई भी पदार्थ अगर सतह पर चिपका है तो वो क्या हो जाएगा, अंदर एंटर हो जाएगा। और थर्ड आप देख रहे होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण, इसका है कि जोर से इसको जब हमने इसको घुमाया इसको, तो इसमें क्या रिजल्ट देखिए आप मिल रहा है, जो ये सेल है ये तो क्या हो गई, रेडियोधर्मी सेल निकला ये, लेकिन जो बाहर आवरण है आप देख रहे होंगे इसमें नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, इसमें रेडियो एक्टिव धर्मिता नहीं पाई गई। यही चीज अगर हम यही बात देखें सल्फर वाले केस में, देखिए रेडियोधर्मी सल्फर में इसमें क्या हुआ, इसमें भी वही प्रोसेस कराई, इन्फेक्शन कराया गया, उसके बाद ब्लेंडिंग हुई, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, लेकिन इसमें क्या है, जो रेडियोधर्मिता है वो सेल में प्रदर्शित नहीं हुई, लेकिन जो बाहर का खोल है, जो आवरण है प्रोटीन आवरण, उसमें जो है रेडियोधर्मी सल्फर 35 ये प्रदर्शित हुई रेडियोधर्मिता। तो इसको देखिए अगर हम आपको इस तरह से समझाएं, तो देखिए यही जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमें पदार्थ मिला, सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कराया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कराया गया है जिससे कि वायरस और बैक्टीरियल पार्ट जो है वो अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहां पर क्या है, जो भारी पदार्थ होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, और जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे जब हमने सल्फर 35 में इनका कल्चर कराया था और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो आप देख रहे होंगे जो ये भारी आवरण है वो कैसा हुआ, रेडियो एक्टिव प्रोटीन पाया गया, मतलब द्रव में जो है रेडियोधर्मिता पाई गई। तो इसका मतलब क्या है, ये भारी केवल आवरण जो खोल है वो है, कवर है जो आप देख रहे होंगे, जो ये वाला हिस्सा देखिए बाहर का ये है, और जो नीचे आप देख रहे हैं बैक्टीरिया सेल जो कि पैलेट के रूप में जमा हो गए बैक्टीरिया सेल, इसमें कोई रेडियोधर्मिता नहीं पाई गई। लेकिन यहाँ आप देखिए फास्फोरस में क्या हो रहा है, 32 से जिससे हमें ग्रो कराया था रेडियोधर्मी, इसमें क्या है, इसमें द्रव माध्यम में कोई रेडियोधर्मिता प्रकट नहीं हुई, लेकिन किसमें प्रकट हुई, बैक्टीरियल सेल में रेडियोधर्मी आपको डीएनए पाएगा, रेडियोधर्मिता पाई गई। तो इससे ये पता चला कि जो डीएनए है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, वो जीवाणु की कोशिकाओं में ट्रांसफर हो गया है। जैसे हम कह सकते हैं ये जो इसका ये कोर है, ये डीएनए ये कहाँ आ गया है, जीवाणु कोशिका में आ गया है, और बाहर क्या रह गया है, प्रोटीन आवरण रह गया है। तो ट्रांसफर कौन सा पदार्थ हुआ है, डीएनए,
ये प्रयोग ये बताता है क्योंकि जब देखा गया, जब हमने फास्फोरस 32 और सल्फर 35 रेडियो धर्मी उसमें ग्रो कराया गया, कल्चर कराया बैक्टीरियोफेज को, तो हमें जो है बैक्टीरियल सेल जो है वो डीएनए बैक्टीरियल सेल जो रेडियो धर्मिता मिली वो किस में मिली, फास्फोरस 32 वाले में मिली। इससे ये पता चल गया कि जो डीएनए है वो कहाँ प्रवेश हो गया है, कोशिकाओं में प्रवेश कर चुका है, और जो यह क्या है केवल प्रोटीन का आवरण है जो द्रव माध्यम में रह गया है। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो विषाणु है, विषाणु द्वारा जीवाणु के संक्रमण के समय केवल, इसको ध्यान देंगे, केवल डीएनए ही जीवाणु में प्रवेश करता है और जो बाहर का हिस्सा, बाहरी आवरण, वो क्या रह जाता है, प्रोटीन कैप्सूल रह जाता है। तो ये हर्षी और चेस ने ये प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही जो है वो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में इसके आगे पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है और आरएनए के टाइप्स क्या क्या होते हैं।